पूर्व विधायक एवं सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी ने सरकार से आग्रह किया कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल एवं कोविड सेंटर नेरचौक में तय सीमा से ज्यादा मरीजों की भर्ती होने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई पर प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार को अन्य विकल्प तलाशने चाहिए। कई मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है। ऐसे हालात में इन क्रिटिकल केयर वाले कई मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मृतकों के परिवार जन भी ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि उनके मृतक परिवार सदस्यों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाई क्योंकि मरीजों की संख्या ज्यादा है। कॉलेज प्रिंसिपल ने ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के हवाले से स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर अवगत करवाया है, जिसमें उन्होंने अधिक मरीजों को दाखिल न दे पाने में असमर्थता दिखाई है। नेरचौक अस्पताल जो कोविड सेंटर में तब्दील किया गया है, मेरी जानकारी में कुछ लोगों ने लाया है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई ना होने की वजह से कुछ लोगों की हालत बहुत ख़राब है, कईयों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और इसका खामियाजा जो है मरीज तो भुगत ही रहे हैं, उनके परिवारजन भुगत रहे हैं और इनके गुस्से का जो है वो सामना वहाँ जो तैनात पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर हैं उनको भी करना पड़ रहा है। जबकि हालत ये है कि जो ऑक्सीजन मैनिफोल्ड लगाया गया है वहाँ पर उसकी कुल क्षमता जो है वो 2,500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से है, जबकि वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो 3,000 से 4,000 लीटर प्रति मिनट की बैठती है। वहाँ कुल बेड कैपेसिटी वैसे 120 के लिए वो डिजाइंड है, लेकिन एमरजेंसी में कुछ ऐड करके 40 बिस्तरे 160 की कैपेसिटी बनती है, जबकि इस समय वहाँ 210 रोगी जो हैं वो दाखिल किए गए हैं और जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है वो उतनी है जितनी 160 के लिए थी। तो 160 के हिस्से की जो ऑक्सीजन है जब ज़्यादा रोगियों को देने की कोशिश वहाँ का स्टाफ कर रहा है तो उनको प्रति रोगी जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम करनी पड़ रही है। हालत ये है कि जहाँ इसकी सप्लाई 22 से 28 पास्कल के बीच में होनी चाहिए वो कई बार जो है उनको 17 पास्कल तक जो है वो कम करनी पड़ रही है और उसका नतीजा हो रहा है कि जो गंभीर रोगी हैं जिनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको जो है अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। हमारे पास ऐसे तथ्य हैं, कुछ परिवारजनों ने जो हैं इस तरह की बातों की पुष्टि की है जो उनके जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया कि उनके साथ जो है इस तरह का उन्हें सामना करना पड़ा कि ऑक्सीजन जो है उनके रोगी को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली। तो सरकार से अनुरोध है और ये हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी सरकार के ध्यान में बार बार लाया है कि वहाँ ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की क्षमता बढ़ाई जाए और तब तक जो है वो रोगी जो 160 के अतिरिक्त हैं उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। लेकिन सरकार जो है वो बेड तो ऐड कर रही है लेकिन साथ में ऑक्सीजन जो है वो उसको बढ़ाना जो है वो सुनिश्चित नहीं कर रही है, तो लोग मर रहे हैं। हमें सरकार से अनुरोध करना है इसके बारे में गंभीरता से प्रयास की ज़रूरत है और बहुत गहराई से बड़ी बारीकी से इसके बारे में जो समझ रखता है ऐसे लोगों को वहाँ डिप्यूट करने की ज़रूरत है और ये बहुत गंभीर बात है, इसको इमीडिएट एक्शन इसके लिए चाहिए। आप कृपया करके बहुत जल्दी एकदम से उस पर एक्शन करें, मैं कहूँगा शाम तक उसमें एक्शन होना चाहिए, तब जाके लोगों को जो है वो जिंदगियाँ कुछ बचाई जा सकती हैं। धन्यवाद।